को बड़ी मुश्किल से बना। गुड मॉर्निंग कथा परु देवी। आज मैं हूँ घर पे, मेरे साथ मिला कौन हो आप? अपना नाम बताओ। परु। परु, और हम कर रहे हैं मस्ती, अभी अभी उठे हैं हम लोग, है ना परु? तो आज वॉक करने में अकेले नहीं जा रहा हूँ, आज मेरे साथ जा रहा मेरा पांचू बेबी प्रियांशी। तो देखो मैं और प्रियांशी जा रहे हैं सैर करने, और प्रियांशी कह रही है मेरा वीडियो बनाओ अगर आप मेरे को साथ लेके जा रहे हो। तो फिर प्रियांशु भाग गया आगे, और मैंने फिर इसका थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया, और ये भी खुश हो गई, और हमारा वॉक भी हो गया। चलो जा रहे हैं, चलो मंदिर तक जाते हैं, बाहर से थोड़ा माथा टेकते हैं और फिर वापस आते हैं। तो मैं और प्रियांशी यहाँ से माथा टेका, फिर मैंने दातुन ली, और मैं दातुन कर रहा था और साथ में प्रियांशी आ रही थी। प्रियांशी कह रही थी मैं तो कभी दातुन नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है, अभी तो छोटी भी है। बस फिर हम चले गए घर, और ना यहाँ पे देखो घर जाते हुए देखा मम्मी कर रही है पूजा। तो ये वाला जो मंदिर है रिसेंटली ही लेके आए थे, आज नए मंदिर में फर्स्ट टाइम हो रही है पूजा। तो नई चीज़ों का एक्साइटमेंट तो रहता ही है, चाहे आप बड़े हो जाओ कितने भी। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अब नहा धो के मंदिर जा रहे हैं हम, और प्रियांशी भाग रही है और इसके ऊपर गिर गया पानी। एक बार पीछे मुड़ के देखो, तो यहाँ पे हम पहुँच गए मंदिर। तो मंदिर में पहुँचते ही पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर मुझे देख के मतलब मुझे क्या देख के आता, तो बच्चों को पहले रोज ही मंदिर जाते हैं, तो मैंने जल चढ़ाया, फिर जैसे मैंने चढ़ाया वैसे ही फिर इन दोनों ने भी अंदर पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाया, फिर बाहर माथा टेक का जल चढ़ाया सारे नंदी जी को, और वहाँ पर शायद कार्तिकेय जी हैं। तो जैसे जैसे मैं कर रहा था वैसे वैसे फिर इन लोगों ने भी मुझे फॉलो किया, और हमने अच्छे से सुबह वाली पूजा अपनी कंप्लीट करी। देखिए ये बच्चा पार्टी कितने अच्छे से पूजा कर रहा है, और फिर ये सूर्य को जल भी दे रहे थे, तो मैं सूर्य को जल ऐसे ही देता हूँ घूम घूम के, तो ये भी ऐसे ही कर रहे हैं दोनों साथ में, तो ऐसे ही होना चाहिए। मंदिर से आके यहाँ पे शुरू हो गया भाई दूज सेलिब्रेशन। तो पहले यहाँ पे सोनू ने सीमांत और भाभी को टीका विका लगाया, भाई दूज किया, और यहाँ पे सीमांत देखो अपने ऊपर खुद ही फूल फेंके जा रहे हैं, और बस यहाँ पे ये चल रही है भाई दूज की सेलिब्रेशन सब। तो ये देखिए टीका लगाया, ये शगुन दिया, उसके बाद आ गया मेरा नंबर, तो फिर मुझे भी टीका लगाया और मेरे को मिठाई विठाई खिलाई। हम लोगों ने अच्छे से अपना भाई दूज सेलिब्रेट किया, और ये मुझे भी टीका, मैंने तू भी लगा ले बहन, और फिर टीका विका लगा के, और अब यहाँ पे काशवी और प्रियांशी टीका कर रहे हैं अपने भाई का अथर्वा का। तो देखो कितने अच्छे से अथर्वा को कितने मजे आ रहे हैं, कितने आराम से खा रहा है और देख रहा है थाली में क्या क्या रखा है, बहुत अच्छे से इसने टीका लगवाया। एक बात तो है कोई भी कल भी जैसे मम्मी ने टीका लगाया था तब भी इसने बड़ी खुशी खुशी बड़ी अच्छा ऐसे इधर उधर भागता फिरता है, लेकिन ऐसे जब होता है कुछ रिचुअल है तो बहुत अच्छे से करता है। और काशी और प्रियांशी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी थी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ एकदम सिंसियर बच्चों की तरह ये तीनों बच्चे ना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे एकदम परफेक्टली, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वैसे कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। और बस बढ़िया है, ऐसे ही सेलिब्रेट होना भी चाहिए फेस्टिवल। और फिर काशवी और प्रियांशी ने अपने पापा को भी टीका लगाया,
और देखिए ये टीका वीका लगा के, ये देखो इनके पापा इनके पांव छू रहे हैं और ये आशीर्वाद भी दे रही हैं। तो देखिए टीका वीका हो गया, अब शुरू हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम। तो यहाँ पे बैठे लाइन लगा के तीनों बच्चे, काशवी के एक साइड है अथर्व, एक साइड है प्रियांशी, यहाँ पे जीजा जी, यहाँ पे भाई साहब, तो सब मिलके बैठ के कर रहे नाश्ता। और यहाँ पे हो गया इनका जाने का टाइम और ये है बाय बाय टाइम। तो इनके जाने के बाद फिर थोड़ी देर गौरव आया था, मैं और गौरव फिर गए थे घूमने। घूमने क्या मतलब, ऐसे ही इधर उधर वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, थोड़े बहुत वीडियोस वीडियोस बना रहे थे। तो ठीक है, सेम टाइम पे हम दोनों आए थे तो टाइम भी था, तो हम लोग कर रहे थे टाइम को।